मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। आज हमारे बीच में मौजूद हैं श्री गोपाल जगमोहन प्रसाद जी, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ है और ये बांसुरी वादक के साथ साथ संगीतज्ञ भी हैं। आज इनसे हम जानेंगे कि बेहतरीन का जो संगीत है उसमें और जो पुराने संगीत के अंदर क्या अंतर है, शास्त्रीय संगीत जो है उसका महत्व क्या है और हम उसको क्यों छोड़ते जा रहे हैं, अगर हम उसको अपनाते हैं तो किस प्रकार हम युवाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, शिक्षा के अंदर बेहतरीन विकल्प खोज सकते हैं, ये आज हमें बताएंगे गोपाल जगमोहन प्रसाद जी। गोपाल जी, आप बताइए कि जिस तरह से संगीत जो हमारी प्राचीन एक शैली रही है, प्राचीन सभ्यता से लेकर के राजा महाराजाओं के जमाने में एक शास्त्रीय संगीत का बड़ा महत्व रहा है, लेकिन आज हम उसको खोते जा रहे हैं, क्या कारण है इसका? आपने जो क्वेश्चन किया उसका जो आंसर है, उत्तर मैं एक भजन के माध्यम से देना चाहूँगा। वो है, आपने सुना होगा, एक लगान फिल्म आई थी, ओ पालनहारी, ओ पालनहारी, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिना हमरा कौन हो नहीं। जो हमें
अपने सोच से कहीं ऊपर लेके जाता है, हमें सुकून देता है, ऊर्जा का स्रोत भी है। एग्जैक्टली, हमें ऊर्जा का स्रोत मिलता है, हमें एक शक्ति मिलती है कि ताकि हम आगे चल सकें, हम जो भी काम कर रहे हैं उसको और दुगुने चौगुने लेवल पे हम कर सकें, बच्चे भी अच्छे तरीके से पढ़ाई का रिजल्ट करें। यंगस्टर जो हैं, वो जो मैंने आपको बताया अभी कि राहगीर करके जो कार्यक्रम है, उसमें मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री जी के जरिए जो यहाँ हरियाणा में जो काम चलाए हैं, या मुख्यमंत्री जी जो हरियाणा में जो राहगीरी का काम कर रहे हैं, और बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े लोग आम लोगों के बीच में जा करके जो अगर हमने हमारे यहाँ एक प्रबल प्रहार जो हामिद अख्तर जी हैं, पुलिस कप्तान हैं हमारे सिरसा के, उन्होंने एक प्रबल प्रहार अभियान चलाया है नशे के खिलाफ। और उस नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया गया उसका परिणाम आज ये है कि क्योंकि वो लोग राहगीरी के माध्यम से जाते हैं, लोग युवाओं के बीच में जाते हैं और नशे के खिलाफ एक जागरूकता अभियान चलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं संगीत के डांस के माध्यम से, उसका भी बड़ा प्रभाव देखने को मिला है। संगीत से लोग जुड़ते हैं और नशे को छोड़ते हैं, ये बड़ी खासियत रही है। मैंने देखा ये कार्यक्रम देखा मैंने, तभी मुझे भी इच्छा हुई कि मैं लोगों तक जागरूकता ले आऊँ, प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी या जो भी यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, सभी इस चीज़ को समझें या जाने कि जैसे हम नशा मुक्ति के ऊपर हम काम कर रहे हैं, खेलकूद के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हम अगर शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा दें, संगीत को बढ़ावा दें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और जो बॉलीवुड भी में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, भजन हैं, जिससे बहुत लोग आगे की सीख ले सकते हैं। बॉलीवुड में भी अभी देखा गया कि ज़्यादातर हरियाणवी फिल्में और बहुत सारी राजस्थानी फिल्मों की तरफ जो है बढ़ोतरी हो रही है, वो लोग इधर ग्राउंड लेवल के ऊपर भी एक अपना जो है फिल्में भी बना रहे हैं, और काफ़ी कुछ पहले जानते ही नहीं थे कि शूटिंग किस तरह से होती है, लेकिन अब यहाँ पर भी कई एरिया के अंदर जैसे घग्गर पे शूटिंग होती है और दूसरी जगह भी, इसका भी अच्छा असर आ रहा है। वो है कि अगर हम शास्त्रीय संगीत में जिस तरीके से आपने कहा कि जगह जगह ये इस तरीके के छोटे छोटे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम शास्त्रीय संगीत जो हमारी पुरानी धरोहर है वो आज हमारे देश से बाहर लोग वो लेना चाह रहे हैं कि ये चीज़ है क्या, इससे हम अपने बच्चों को सिखाएं, या आप लंदन चले जाएं, बाहर के स्कॉलर हैं वो यहाँ आकर के रिसर्च कर रहे हैं भारतीय संगीत के अंदर ऐसा क्या है जिसको मतलब यहाँ पे सीख रहे हैं। और एक उदाहरण भी है कि जो तानसेन और भेजू बावरा जो है वो हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर ही रहे हैं, इतिहास के अंदर उनका नाम है कि वो दीप राग गाते थे, मेघवर्ण राग गाते थे, उससे दीप जल उठते थे। अब उसको हम किस तरह से जोड़ते हैं, क्या वो शास्त्रीय संगीत की कला थी या कोई जादू से संबंधित कुछ ऐसा था? नहीं, मैं इतना डीप तानसेन जी और बैजू बाबरा जी के बारे में ना ही मैंने देखा है, ये तो आपकी तरह मैंने भी पढ़ा है, तो उस चीज़ की मैं कोई तुलना या उसकी चर्चा नहीं करना चाह रहा। मैं ये सिर्फ एक पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूँ कि क्यों हमारी संस्कृति को बाहर देश विदेशों से जब हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ इतना प्रोत्साहन है लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, अपने वहाँ के जर्मनी से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ से स्टूडेंट्स को यहाँ स्कॉलरशिप दे करके भेजा जा रहा है भारत में कि आप जाओ और वहाँ से शास्त्रीय संगीत सीख करके आओ या वहाँ की संस्कृति सीख करके आओ। और हम यहाँ अपने बच्चों को वो चीज़ देने की बजाय हम डीजे, पॉप, आजकल वो फेसबुक, व्हाट्सएप, सारा दिन बच्चे उसी में लगे हुए हैं। अगर हम अपने बच्चों को शास्त्रीय संगीत का थोड़ा भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे राग रागनी आप जानिए या बहुत बड़े उस्ताद आप बन जाइए, तबला के उस्ताद आप बन जाइए, नहीं, मैं बोल रहा हूँ थोड़े से बेसिक लेवल पर अगर इसको कंपल्सरी किया जाए शिक्षा में कंपल्सरी किया जाए कि नहीं आपको ये करना ही है जी, तो इसमें क्या होगा कि जो बच्चे हमारे हैं स्कूल लेवल में या कॉलेज लेवल में या यूनिवर्सिटी लेवल में दूसरी चीज़ों की तरफ डाइवर्ट नहीं होंगे, नशा की तरफ डाइवर्ट नहीं होंगे। आजकल नशे का बड़ा एक मुद्दा है। हाँ, या किसी चीज़ के प्रति, गलत चीज़ों के प्रति वो डाइवर्ट नहीं होंगे, मुड़ेंगे नहीं, उनको एक रास्ता मिलेगा कि हमें दिन भर में 2 घंटे रियाज करना है, सुबह 1 घंटा रियाज करना है, शाम को रियाज करना है, टाइम पे वो घर आएंगे, टाइम पे सुबह उठेंगे वो, तो इसमें क्या होगा कि उन बच्चों में थोड़ी सी जागरूकता धीरे धीरे बढ़ती जाती है और वो फिर संगीत को वो समझते हैं कि संगीत क्या है, एक दिन की तो चीज़ है कि आज मैंने सिखाई और कल उन्होंने सीख लिया। तो ये स्कूल लेवल में जब तक इसको कंपल्सरी किया जाएगा, बच्चे पूरे साल जी जैसे कोर्स होता है,
हिस्ट्री ज्योग्राफी या इंग्लिश मैथ्स, उसी तरीके से अगर इसको कंपलसरी किया जाए कि इसमें पास करना ही है आपको, इसमें आपको इतने मार्क्स लाने ही हैं, तो वो क्या होगा, बच्चों में एक जागरूकता आएगी, वो अपने आप उस चीज़ को घर में रियाज करेंगे, उसके लिए टाइम देंगे, और जब वो टाइम देंगे रियाज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो जो नशा की तरफ या किसी और गलत चीज़ों की तरफ मुड़ेंगे उनमें एक बंदिश आ जाए। तो यही मेरा कहने का अर्थ है कि शिक्षा मंत्री या हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं या ऊपर पदों पे जो बैठे हैं, वो हरियाणा में एक जागरूकता लाए कि लोग जो हैं, आम लोग भी समझ पाए कि शास्त्रीय संगीत से हमें क्या मिलता है या इससे हम क्या पा सकते हैं आगे। और ये शास्त्रीय संगीत ऐसा नहीं है कि सिर्फ म्यूजिक के लिए, नहीं, ये नशा की तरफ भी जाने से रोकेगा, दूसरे गलत चीज़ों की तरफ से जाने को बच्चों को रोकेगा, और हम नशा मुक्ति का जो आपने राहगीरी कार्यक्रम में चला रखा है उसमें भी इसमें बहुत सहयोगिता मिलेगी। और मैं जैसा आपने मैंने बताया कि आज मैं 17-18 सालों से अंधे बच्चों के साथ, अनाथ बच्चों के साथ मैं बॉम्बे में, हाँ पता ही है कि मैं काम कर रहा हूँ 17-18 सालों से काम। विदेशों में भी आपने कहा कि बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, तो क्या मतलब भाई जब आप बाहर जाते हैं तो भारत में शास्त्रीय संगीत का और विदेशों में क्या तुलना है इन दोनों चीज़ों में? नहीं, तुलना तो है, मैंने आपको पहले ही बताई कि वहाँ इतना प्रोत्साहन मिलता है हमें, तब हम सोचते हैं कि शास्त्रीय संगीत को, शास्त्रीय संगीत में वो हमारे देश में क्यों नहीं है, हमारी चीज हमें जाकर के दूसरों को देना पड़ता है। यहाँ तो आजकल डीजे है और इन चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो डांस भी इस तरह से है कि एक तो पहले जिस तरह से कथक था या और नृत्य कुचिपुड़ी ये सब थे, ये सब चीजें थे और इसमें बड़ा समय भी लगता था, लेकिन आजकल क्या है कि डांस को अलग स्तर के ऊपर लेकर गए हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी चीज अगर हम बेसिक लेवल से हम सीखते हैं तो ही उस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने एक बॉलीवुड का डांस देखा और उसमें हमने उसको कॉपी कर ली, कॉपी करके जाकर के वो डांस इंडिया डांस या जैसे बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं, आपने देखा होगा, उसमें कॉपी करके और मैंने वो डांस कर लिया। और एक बेसिक लेवल से सीखना, जैसे गाना हो गया, गाना आपने सुना, कई बार सुन करके याद कर लिया आपने और उसी चीज़ को कॉपी करके आपने गा लिया, और किसी चीज़ को बेसिक लेवल में जाकर के सीख करके नए चीज़ों को गाना, नए डांस, नए कोरियोग्राफी के साथ में नया एक अलग हटके कुछ डांस करना, ये चीज़ हो नहीं पाता, क्योंकि वो जो आप बोल रहे हैं वो क्या, वो हमने एक चीज़ को देखी, उसको कॉपी किया और लोगों तक वो प्रस्तुत कर दिया, तो उसमें आप बहुत आगे लेवल तक आप बढ़ नहीं सकते। किंतु वही माता पिता अगर अपने बच्चों को बेसिक लेवल से भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या जैसा आपने कहा कथक, ये सिखाएंगे बेसिक लेवल के डांस, अगर वो जब सीखेंगे तो ये सब जो बॉलीवुड के डांस हैं, स्टेप्स हैं, वो कोई मायने नहीं रखेंगे। और दूसरी बात, आपने कहा था कि हमने संगीत जो है फिल्मों में भी किया है, आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से बांसुरी में या इसके अलावा भी आपने कोई संगीत दिया है फिल्मों में? हाँ, फिल्मों में मैंने संगीत दिया है और बॉलीवुड की म्यूजिक काफ़ी, सभी साधना सरगम, सुनिधि चौहान, कैलाश खेर, जी काफ़ी सभी बड़े सिंगर्स ने मेरे गाने गाए हैं। आपको दोस्तों बता दें कि एक खास बात रही है कि ये श्री हरि प्रसाद, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी से, वो इनके गुरु हैं और उन्होंने बांसुरी वादन वहीं से सीखा है। सबसे पहले इनका कलकत्ता में जन्म हुआ और वहीं पर इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, प्राथमिक जो प्रारंभिक शिक्षा है वो वहाँ पर ली थी। उसके बाद ये सिर्फ बांसुरी सीखने के लिए पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के पास चले गए और वहीं पर उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत की और मुंबई में कई फिल्मों में ये अपना संगीत दे चुके हैं। बाल आज गोपाल जी, आप हमें थोड़ा बांसुरी में कुछ नया जो है संगीत या कोई भजन सुनाएंगे? मैं आपने मेरा जो परिचय दिया अभी, इसमें एक चीज़ आप नहीं दे, मतलब कि थोड़ी रह गई, आप बता सकते, रह गई कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ते में हुई जी, और मेरे गुरु जिनसे मैंने संगीत की शुरुआत की जी, उनका नाम है श्री पंडित महेश प्रसाद मिश्रा जी, जी और श्री गौरपाल जी, गौरपाल, इनसे मैंने गायन और वादन दोनों की शिक्षा ली, क्योंकि ये मेरा बेसिक था, बेसिक मेरे न्यू थी,
और इसके बाद मुझे नेशनल स्कॉलर और कई चीजें राष्ट्र आप बता रहे थे कि राष्ट्रपति से मैं भी सम्मानित हो चुका हूँ जी। तो ऐसे कई मिलने के बाद तब मैं संगीत का सही ज्ञान हुआ मुझे ज्ञान जी कि मुझे और इसमें संगीत में और आगे करना चाहिए या इसमें और भी जानना चाहिए कि है क्या ये। तब मैंने पंडित वेबसाइट भी है उस पे बांसुरी के बारे में बहुत कुछ है तो वो ठीक है, किंतु उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं और संगीत के बारे में जानूं। तब मैं 1998 में 20 साल पहले मैंने कलकत्ता से मुंबई मूव किया जी। और वहाँ जाने के बाद काफ़ी कुछ स्ट्रगल रहा, 20 सालों में काफ़ी कुछ देखा काफ़ी कुछ सीखा वहाँ पे। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पंडित श्री हरिप्रसाद चौरसिया जी ने मुझे कुछ सिखाने का मुझे उस लायक समझे और मैं भी उस लायक अपने आप को बहुत आभारी समझता हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं उनसे कुछ सीख सकूँ। उनसे तो मैं बहुत कुछ कुछ नहीं सीख सका हूँ इन 20 सालों में, थोड़ा ही कुछ संगीत सीखा है जो आज सभी लोगों के माध्यम से बांटता हूँ या देने की कोशिश करता हूँ। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखेंगे द विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड, एक बहुत बड़ी संस्था है जो आज इंडिया गॉड्स टैलेंट और जो फिल्म आई थी आपने देखा होगा स्लम डॉग मिलियनेयर जी, उसमें भी मेरे बच्चों ने काफ़ी काम किया है और इंडिया गॉड्स टैलेंट और जितने भी आते हैं ये सब चीज़ों में काफ़ी वो ऊँचे दर्जे तक काम किया है उन्होंने। ये एक मेरी उपलब्धि रही है जो मैं अनाथ और अंधे बच्चों के साथ मैं परमात्मा ने मुझे मौका दिया काम करने के लिए और मैं कर पाया। और ये मैं तभी कर पाया जब मैं अच्छे संगीत की शिक्षा अपने गुरु से श्री पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी से ले पाया, तभी मैं समझ पाया कि बांसुरी आखिर में बजती कैसे जी। अभी तो मैंने सिर्फ बांसुरी बजती कैसे है इतना ही सीखा है, बहुत मैं शास्त्रीय संगीत का बहुत ज्ञान या बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, किंतु जो सीखा है इसमें मैं सोचता हूँ कि काश अगर इतनी चीज़ें हमारे स्कूल के बच्चों को हमारे कॉलेज के बच्चों को हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चों को मिल जाए, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी इस चीज़ को समझें। और हम बांसुरी में कुछ सुनना चाहेंगे आपसे, कुछ भी जो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगे और आपका फेवरेट रहा हो। मेरा फेवरेट तो सबसे है देश जी, देश से बढ़ के कुछ नहीं है। 15 अगस्त भी आने वाला है, देशभक्ति पे कुछ सुना दीजिए। कैसे हम समाज में एक बदलाव ला सकते हैं, शास्त्रीय संगीत सीखने का मतलब या संगीत सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप एक एंटरटेनमेंट कर रहे हैं जी, आप नाचिए कूदिए डांस करिए या एंटरटेनमेंट है आपका डीजे की तरह, नहीं। शास्त्रीय संगीत बच्चों में या युवाओं में डालने का या सिखाने का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि वो संस्कारिक बने। सबसे पहले अपने माता पिता का आदर सम्मान करना सीखे, अपने गुरुजनों का आदर सम्मान करना सीखे, वो आजकल के समाज में बहुत कम देखी जा रही है। बच्चे इतना व्हाट्सएप ट्विटर फेसबुक में रहते हैं कि अपने माता पिता से वो हो ही नहीं पाते हैं, वो सम्मान दे ही नहीं पा रहे हैं।
दिन पर दिन ये चीज खत्म होता जा रहा है। तो शास्त्रीय संगीत या संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसमें वो लड़का, वो बच्चा या वो यंगस्टर बिल्कुल वो एक केंद्रित होकर के उस चीज को करेगा, और करने के बाद उसमें थोड़ी भावनाएं भी आएगी कि शास्त्रीय संगीत में, क्योंकि वो गुरु के पास जाएगा सीखने के लिए, तो गुरु के पास, गुरु शिष्य जो परंपरा होती है जो पहले थी, यही संगीत के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा जो आज भी जिंदा है, जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, तो उसे हम फिर से लाए और बच्चों में, यंगस्टर्स में वो संस्कृति, वो आए, वो बात कि धीरे धीरे वो सबका सम्मान करें, और वो जब अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, गुरु का सम्मान करेंगे, तो ऑब्वियसली समाज को भी उसी तरीके से वो देखेंगे। तो हमारे समाज में, हाँ, समाज में क्राइम या जो तरह तरह की चीजें जो आजकल पेपर न्यूज में सुनने को मिलता है, वो चीजें कम होंगी, क्योंकि वो संस्कारिक होंगे बच्चे, कुछ तो संस्कार आएंगे, ये नहीं कि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाएंगे, किंतु संस्कारिक होंगे। ये मेरा कहने का अर्थ है कि इसलिए स्कूल कॉलेजों में सब जगह एकदम कंपल्सरी कर देना चाहिए कि इसमें आपको पास होना ही हो, तो फिर वो एक धीरे धीरे आप एक सीधा सा सरल सा, सबके आजकल व्हाट्सएप में, मोबाइल में, या जो ट्रांजिस्टर हो या रिकॉर्डर हो जी, उसमें आप बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े जो संगीत के मारतंड रहे, उनके सीडी लाइए, उनके राग रागनियों को आप सुबह है तो सुबह का राग, दोपहर है तो दोपहर का राग, रात को सोते समय के भी बहुत सारे अलग अलग राग हैं जी, उन रागों को सुनिए, तबला सुनिए, वाद्य सुनिए, और आप उसको एक बार सुनिए, सुनने के बाद उसको एक बार, दो बार, चार बार उनको सुनने, सुन के समझने की कोशिश करिए, तो आपकी इच्छा होगी कि ये चीज़ है क्या जो हमें सुकून दे रही है, जो हमें किसी दूसरी तरफ चीज़ों से जाने से हमें रोक रही है जी। फिर आप किसी गुरु के माध्यम से या किसी स्कूल के माध्यम से, जैसा मैंने कहा कि स्कूलों में कंपलसरी कर देना चाहिए जी, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कंपलसरी करना चाहिए, ताकि माता पिता भी जब अपने बच्चों को घर में देखेंगे संगीत करते हुए, तो उनकी भी जो बिजनेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनकी भी इच्छा होगी कि चलो ये क्या चीज़ है, एक बार जानना तो चाहिए। चलो वो सीखेंगे नहीं, सुनेंगे तो सही जी, घर में बच्चों को सुनेंगे तो अपने आप घर का माहौल बदलेगा, परिवर्तित, घर का माहौल बदलेगा तो समाज का माहौल बदलेगा, समाज का बदलेगा तो देश का माहौल बदलेगा जी। ये एक स्टेप बाय स्टेप हमें कोशिश कर सकते हैं जी, और शायद इस माध्यम से हम नशा मुक्ति या दूसरे जो गलत आदतें हैं उसको हम कम कर सकते हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो हम सब मिलकर के, सभी से मेरी एक गुजारिश है कि हम कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आप हमारे स्टूडियो में पहुंचे, और दर्शकों इसी तरह के आप बहुत सारे वीडियोस हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।